ओके ओके देखिए यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए, मैं उसका तथ्यात्मक जवाब दे देता समझ हूँ पा रहा ताकि हूँ। लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। यहाँ कहा गया कि टीके दो रेट में बेचे जाएंगे, फेक न्यूज़ है। अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल अपना जारी किया है वक्तव्य कि दोनों को टीके एक ही रेट में, राज्य को और केंद्र सरकार को दोनों को टीके एक ही रेट में मिलेंगे, 400 रुपये के भाव से मिलेंगे। जो 150 रुपये के भाव से पहले दिया गया था वो पहले 100 मिलियन डोजेस के लिए थी, वो हमेशा के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो रिस्क टेकिंग प्राइस था। जिस समय एफिकेसी का स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय का प्राइस था। अभी जो नए प्राइस होंगे वो केंद्र के लिए भी जो होंगे राज्य के लिए भी वही होंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर झूठ फैला रही है, मैं आज कष्ट के साथ कह रहा हूं कि सुबह भी कहा गया, पहला आया वक्तव्य कि जो 30 मरीज हमारे उनकी मृत्यु हुई गंगाराम में वो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हुई। बाद में राणा, डॉक्टर राणा जो कि गंगाराम के चेयरमैन है, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है, ऑक्सीजन की कमी हुई है मगर उसके कारण मृत्यु नहीं हुई है, शाम तक हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमारा आ रहा है। तीसरी बात, जाम कौन कर रहा है? ये सारे किसानों को लाके ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वहां बॉर्डर पे बैठाए हुए हैं, जाम हो रहा है उसके कारण से। आप किसानों को लाकर वहां बैठाकर बोल रहे हैं जाम 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 हो रहा है, आप किसानों को, आप आड़तियों को लाकर बैठाएंगे वहां पर और कहेंगे जाम हो रहा है? आप किसानों को कहिए पहले वापस जाएंगे। आप यहाँ पर राजनीति करना बंद करिए, राजनीति करना बंद करिए। और बंगाल का ये सबके बीच में बोलती है रूबिका जी, ये क्या बात है, ये सबके बीच में क्यों चिल्लाती हैं? गंगाराम के चेयरमैन ने कहा है ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई है, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये महिला बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौत हुई है, खुद गंगाराम की डॉक्टर ने बोला है ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई है। इनकी आवाज को कम करिए, ये तो माँ बेटे दोनों स्मगलर हैं, ये स्मगलर की पार्टी क्या हमसे पूछ रही है हिसाब किताब? अरे बैठे बैठे दोनों स्मगलर, माँ बेटे स्मगलर हैं, डकैतों की पार्टी हमसे हिसाब किताब पूछने चली है। बैठ जाओ, डकैतों की पार्टी हमसे चली है पूछने के हिसाब किताब क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।